हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो जैसे मैं तुम्हारे लिए सम पे सम सॉल्व कर दिया रहा, राइट। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे वैल्यू ऑफ सप्लाई, ठीक है। तो क्वेश्चन तुम्हारे सामने ही है, एकदम नकली क्वेश्चन है। इतना सा क्वेश्चन तुमको 7 मार्क के लिए एग्जाम में आया था। तो क्या दिया मालूम है? वैल्यू ऑफ सप्लाई दिया है। तो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स बाय मिस्टर खान टू पराग, मतलब खान ने पराग को माल सप्लाई किया। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में अपनों को बताने का कितने रुपये का माल सप्लाई किया, राइट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे एक कॉलम बना देंगे, ये खाली रहेगा तुम्हारा। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई मतलब कितने रुपए का माल सप्लाई किया। तो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ऑफ सप्लाई कितने का गुड्स था, वो 4 लाख का माल था। कितने का माल था? 4 लाख। वो 4 लाख को पहले बाहर डाल देने का। ये सेम सेंटेंस कॉपी करके मैंने 4 लाख को किधर डाला, बाहर डाल दिया, राइट। सिंपल। फिर जो जो खर्चा होता है ना, वो ऐड करने का रहता है। जो जो एक्सपेंस रहेगा वो ऐड करेंगे, ठीक है। तो 4 लाख का जो माल सप्लाई किया, उसके पर क्या हुआ, खर्चा किसने किया? पराग ने। किसके कहने पे? खान के कहने पे। तो पैकिंग का खर्चा हुआ 15,000। तो खर्चा है तो वो आएगा, सिंपल। फिर लोडिंग चार्जेस 28,000, चल वो भी खर्चा है, चल वो भी आएगा। फिर अदर इन्फॉर्मेशन, डिलीवरी चार्जेस पेड बाय गोपी, गोपी ने दिया बाय मिस्टर पराग ऑन इंस्ट्रक्शन ऑफ खान, खान के कहने पे दिया। अगर नॉट बिहाफ ऑफ खान आता ना, तो ये 12,000 नहीं लेते हैं। तो डिलीवरी चार्जेस भी आएगा 12,000, क्योंकि सामने वाले के कहने पे दिया। एडिशनल पैकिंग चार्जेस वॉज पेड बाय मिस्टर खान ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर पराग, मतलब किसके कहने पे हुआ? पराग के कहने पे हुआ। तो अपन क्या कर रहे हैं, गुड्स सप्लाई बाय मिस्टर खान टू मिस्टर पराग, मतलब बियाफ आ गया था, तुमको वो सब एक्सपेंडिचर लेना है, ठीक है, एडिशनल चार्जेस। अभी इधर सब्सिडीज मिला, बेनिफिट मिला। अगर गवर्नमेंट से सब्सिडीज मिला रहता ना, तो नहीं लेते। गवर्नमेंट से सब्सिडीज मिला रहता तो नहीं लेते, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। इधर प्राइवेट कंपनी, एनजीओ से क्या मिला? सब्सिडीज मिला। कितना मिला सब्सिडीज? 10,000। तो भी तुम लोग हिसाब में आएगा, राइट। और क्या नहीं लेकर रहने का रहता है? CGST SGST चार्ज बोला रहेगा, वो नहीं लेने का है। सिंपल। CGST SGST चार्ज बोला तो वो नहीं लेने का है। तभी हम लोग क्या करेंगे, पूरे एक्सपेंडिचर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो अपने 15,000, 28,000, 12,000, 15,000, 10,000। तो टोटल 80,000 का खर्चा हो गया। कितना का खर्चा हो गया? 80। अभी इन लोग को ऐड कर लेंगे ना, तो कितने रुपये का माल सप्लाई किया? 4,80,000। कितने का माल सप्लाई किया? 4,80,000। ये हो गया वैल्यू ऑफ सप्लाई। अगर मान लो क्वेश्चन में ना डिस्काउंट दिया रहता, क्या दिया रहता, डिस्काउंट ऑन वैल्यू ऑफ 10% डिस्काउंट बोला रहता, तो 4 लाख पे 10% डिस्काउंट निकल के माइनस करते हैं। फिर जो माइनस करके अमाउंट होता ना, उस पर आप लोग टैक्स देते, क्या देखते हैं, टैक्स देते, CGST SGST टैक्स देते। सॉरी, पहले डिस्काउंट माइनस करते, फिर जो अमाउंट आता उसके ऊपर टैक्स देते। पर ये वाले क्वेश्चन में ना टैक्स बोला है, सॉरी, ना GST बोला है, तो कुछ करने का नहीं था। इसको इसको लेके छोड़ के इतना ही आंसर था। 7 मार्क तुम्हारा जमा हो गया, ठीक है। तो 3 मिनट में तुम्हारे लिए सम सॉल्व कर दिया। अभी एक बात और बोल लेंगे, इफ़ यू नीड माय हेल्प, ये नंबर पे मैसेज कर दो। 30-40 में सॉल्व है, मैंने तुमको सेंड कर दूंगा। आपको प्यार से गुरु दक्षिणा देना है, राइट। इतना मेहनत भी किया तो उसके बदले तो कुछ तो मिलना चाहिए, राइट। अच्छा खासा सम सॉल्व किया। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई का अलग अलग टाइप के हार्ड वाला भी 7-8 सम सॉल्व किया। वैल्यू ऑफ सप्लाई में एक हार्ड वाला था इंक्लूसिव, क्या था? इंक्लूसिव। तो ये वाला सब मैंने सॉल्व किया, तुमको देखना पड़ेगा क्या, ठीक है। एक्सक्लूसिव वाला कुछ नहीं करने का रहता है, इसमें सीखने का रहता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।